आप 10th क्लास में पढ़ते हो, दोस्ती यारी तो पूरी हो जाती है, पॉकेट मनी भी लोगों की शुरू हो जाती है। अब पॉकेट मनी में कहाँ पैसे उड़ाते हैं, बाइक के पेट्रोल में, दोस्तों के साथ कैफे कॉफी में। अगर ईमानदारी से देखा जाए ना, आज की डेट में अगर थोड़े से मिडिल क्लास फैमिली के में भी थोड़ा सा अपर में अपन चले जाएँ, तो पेट्रोल और कैफे कॉफी डे में अगर बैठ गया तो 200-300 रुपये तो बड़े मामूली लग रहे हैं, बहुत आराम से लग रहे हैं। यानी और मैं चलो इसको और नीचे ले आता हूँ, इनका तो 200 रुपये भी पर डे के ये तो बड़े आराम से खर्च करते हैं ना, महीने के तो 6,000, 6,000 भी छोड़ दो, महीने के तो 5,000 की भी अगर इन्वेस्टमेंट हर मंथ आप करते हो तो 15% का रिटर्न 15 साल के बाद आप निकाल के देखो कितनी वैल्यूएशन है। तो हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आपको दोस्तों के साथ नहीं घूमना है, हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आपको कैफे कॉफी डे में नहीं जाना है, हम ये नहीं कहना चाह रहे आपको मस्ती नहीं करनी, हम ये कहना चाह रहे हैं बस कि इससे ये जब इतनी वास्ट चीजें दिखनी शुरू हो जाती है इस एज से ना, तो थॉट प्रोसेस बहुत नजरिया बनने लगता है, नजरिया बनने लगता है। पर एक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता है मुझे, वो चाइनीज बांबू की तरह है कि जो 5 साल जमीन के अंदर रहता है आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, लगेगा कि मर गया है वो, और उसके बाद 5 हफ्ते में ही वो इतना बड़ा हो जाता है। पर वो काफी लोगों को 5 साल रुकने का जो एक पेशेंस चाहिए होता है ना, वो नहीं होता, कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखने का समझ लगता है। इसलिए तो हमने कहा अगर वो बच्चे 5th क्लास से या 7th क्लास से जब ये स्लो प्रोसेस को सीख के आएंगे तो वो तो उस एज में अनदर लेवल पे बैठे रहेंगे, उनको डेवलप रहेगा। आज जैसे मैं आपको बताता हूँ, आज मैं जब 40-45 ईयर के एज के लोगों से